खबर है मिर्जापुर से। पूरे देश में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि मना रही भाजपा। नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने भी विंध्याचल अटल चौराहे पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण और कहा, अटल बिहारी वाजपेयी थे आजाद शत्रु, पार्टी हित से पहले देश हित की सोचते थे। नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल सोमवार की सुबह भाजपा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अटल चौराहे पहुंचे, जहां नगर पालिका अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ अटल चौराहे पर स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पण कर उनको नमन किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि 1980 में जनसंघ से अलग होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी और पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। आज उन्हीं के आदर्शों और नीतियों पर चलते हुए भाजपा ने 2 सीटों से 300 से ज्यादा सीटों का सफर तय किया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने तमाम देशों के विरोध और प्रतिबंधों के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में परमाणु बम का सफल परीक्षण कर भारत को परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल किया था। आज उन्हीं की देन है, भारत शक्तिशाली देशों की श्रेणी में शुमार है। अटल बिहारी वाजपेयी देश हित में कड़े फैसले लेने में कभी नहीं झिझकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी हित से सबसे पहले देश हित का सोचा करते थे। वो एक ऐसे राजनेता थे जिन्हें लोग आजाद शत्रु के नाम से जाना करते थे। राजनीति के क्षेत्र में उनका कोई भी दुश्मन नहीं था। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा, ऐसे महापुरुषों के जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर पश्चिमी मंडल के नगर अध्यक्ष अभय मिश्रा, गोविंद प्रसाद बिन, क्षेत्रीय मंत्री पिछड़ा मोर्चा लालजी वर्मा, जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा बबलू यादव, रमई बिन विकास गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। इसके विषय में कुछ कहेंगे आप? आज भारतीय राजनीति के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनेवा के विजेता, भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पे आज हम सब लोगों ने हमारे नगर अध्यक्ष पश्चिमी अभय मिश्रा जी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पे माल्यार्पण किए हैं, पुष्पांजलि अर्पित किए हैं और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की सोच से भारत की वर्तमान सरकार काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास और सबके सिद्धांत के आधार पर काम हो रहा है। आज हम सब अटल जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करने आए हैं। ये सत्संग में इकट्ठा हुए, धन्यवाद। तो अब आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ।